Good morning students, welcome class 6. In this video we are discussing our chapter number 8, which is India climate or geography, on page number B67. So let students start our chapter. The morning was sunny, yesterday by evening the sky become cloudy. Today has been a rainy day with few heavy downpour. It was very windy. Now this rain has stopped and it's calm and cool. Shnako, who stays in Bombay, was talking on telephone to his friend Jihan, who stayed in Jodhpur. Jihan told him that it was very hot, sunny and dry in Jodhpur. एक ये बात है सनी यस्टरडे की, मतलब कल सनी का मतलब क्या होता है, जिस दिन सूरज निकला होता है उस सुबह की, जहाँ पे जो क्लाउड था पहले तो बहुत ज़्यादा धूप थी, पर जो शाम को जो क्लाउड था वो इन्वायरमेंट स्काई था, वो क्या हो गया था, क्लाउडी हो गया था, मतलब उस एरिया में क्या गए थे, क्लाउड्स आ गए थे. टुडे, आज क्या है, रेनी डे है, मतलब बारिश का दिन है, जहाँ फिर जो रेन है वो स्टॉप होती है और जो अपना आसमान है वो थोड़ा सा साफ होने लगता है. एक श्नाको है, एक पर्सन है, इसका नेम क्या है, श्नाको, जो कि कहाँ रहता है, बॉम्बे के अंदर रहता है. वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है जिसका नाम क्या है, जिहान, जो कि कहाँ रहता है, जोधपुर में रहता है. जिहान अपने फ्रेंड को बताता है कि यहाँ पे तो हो मतलब गर्मी की दिन है और यहाँ पे तो जोधपुर में बारिश नहीं है, यहाँ पे क्या है, सूखा हुआ इन्वायरमेंट है. दे वर डिस्कसिंग द वेदर ऑफ बॉम्बे एंड जोधपुर, वो आपस में जोधपुर और बॉम्बे के वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं. यू ऑल मस्ट हैव वॉच्ड दैट वेदर बुलेटिन ऑन टीवी समटाइम्स एंड रीड अबाउट वेदर्स इन द न्यूज़पेपर. You must be aware that weather deal with the daily changes in the temperature, rainfall, sunshine. आप लोगों ने टीवी के अंदर भी देखा होगा जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, हर स्टेट का या फिर हर कंट्री का जो वेदर होता है, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम होता है, वो सेम नहीं रहता. वेदर रेफर्स टू द डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फेरिक कंडीशन. वेदर का मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है, जो हमारा वातावरण है, उसमें जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, अपने वेदर बोलते हैं. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज टिपिकल वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन 30 to 35 ईयर्स. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इन्फ्लुएंस इट्स फ्लोरा एंड फौना. जो क्लाइमेट है मतलब जो अपना वातावरण होता है वो क्या करता है, अपने जो फ्लोरा है और जो फौना है इनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. फ्लोरा का मतलब क्या होता है, जितने भी अपने प्लांट्स हैं वो, और फोना का मतलब क्या होता है, जितने भी अपने एनिमल्स हैं वो. इट्स अ काम फॉर द एनवायरनमेंट डाइवर्सिटी पैटर्न द लिवलीहुड ऑफ द पीपल. द जनरल क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द अकाउंट्स ऑफ इट्स लैटिट्यूडनल लोकेशन. द मानसून विंड और सीजनल विंड इज यूनिक टू इंडिया. मानसून हैव परफॉर्म इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडियाज क्लाइमेट इज ब्रॉडली कॉल्ड ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. जो अपना मानसून, मानसून का मतलब क्या होता है, जो बारिश का सीजन होता है वो एक अपना सीजनल विंड उसके अकॉर्डिंग चलती रहती है, और जो इंडिया है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी बोल सकते हैं. अब कई फैक्टर्स हैं जो कि अपने क्लाइमेट को डिफरेंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में अपने स्टडी करते हैं. पहला आता है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो कि जिससे अपने डिस्टेंस नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो डिस्टेंस अपने मेजर करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं. इंडिया इज जनरल हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. अपने इंडिया में जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट है और ह्यूमिड क्लाइमेट है. बट बिकॉज ऑफ द ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन टेम्परेचर वेरीज. पर जो काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से, नॉर्थ और साउथ के अंदर डिफरेंस होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या है, डिफरेंट होता है हर स्टेट का. इन द साउथ लोअर लैटिट्यूड टेम्परेचर हाई. जो साउथ का पार्ट होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर क्या रहता है वो हर साल ज़्यादा रहता है, हाई रहता है. इन द नॉर्थ समर आर वार्म बट विंटर आर वेरी कोल्ड. नॉर्थ के अंदर जो गर्मी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो ठंड होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. फाइंड आउट टू एग्जाम्पल फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टू प्रूव दिस. आप अब दो एग्जाम्पल फाउंड करोगे नॉर्थ और साउथ की, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाए. सेकेंड आता है रिलीफ एंड एल्टीट्यूड. रिलीफ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन देयर हाइट, और एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अबव सी लेवल, मतलब जो समुंदर की लेवल से कितने डिस्टेंस
है दैट टावरिंग हिमालयस आर इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स दे डू नॉट अलाउ द मॉइस्चर लैंड एंड मॉनसून विंड टू एस्केप फ्रॉम इंडिया द लोकेशन ऑफ द माउंटेन एंड हाईलैंड्स अलोंग द पाथ ऑफ द मॉइस्चर लैडन विद इन winds cause heavy rainfall on the windward slopes. Slopes are the areas in the western Ghats receive heavy rainfall because of these reasons. You must be aware of heavy rainfall in Bombay in the rainy season. अब जो हिमालयस हैं वो भी क्या है इफेक्ट करते हैं अपने किसको क्लाइमेटिक सिचुएशन को वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने को ठंडी विंड से कोल्ड विंड मतलब ठंडी विंड से और वो अलाउ नहीं करते कोई भी मानसून उनको अफेक्ट करे डिस्टेंस फ्रॉम सी सीज हैव मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट जो सीज होती है उनका भी जो क्लाइमेट रहता है वो क्या रहता है मॉडरेट रहता है मतलब चेंज होता रहता है सो प्लेसेस लाइक बॉम्बे चेन्नई एंड कोलकाता लोकेटेड नियर द सी हैव इक्वेबल क्लाइमेट दे हैव लेस डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर वाइल भोपाल दिल्ली अहमदाबाद लोकेटेड इन द इंटीरियर हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट अब जैसे जो एरियाज हैं जो समुंदर के पास के एरियाज हैं वहाँ पे तो टेम्परेचर रहता है वो कम उनमें डिफरेंस होता है समर के टेम्परेचर में और विंटर के टेम्परेचर में पर कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि भोपाल होगी दिल्ली होगी जो कि समुंदर के एरिया के पास नहीं रहती उनमें जो क्लाइमेट होता है वो बहुत चेंज रहता है जैसे गर्मियों में तो बहुत गर्मी होती है और ठंड में क्या होती है बहुत ज़्यादा ठंड होती है Other factors like surface wind and pressure winds, prevailing winds and upper air circulation affect our weather. कई और factors हैं जैसे कि upper air हो गई circulation, prevailing wind मतलब जो winds वगैरह हैं जो change होती रहती है according to atmosphere, वो सब भी अपने climate को क्या करती हैं affect करती हैं तो तीन कारण होते हैं अपने climate किससे affect होते हैं पहले तो latitude, latitude का मतलब क्या होता है difference, distance from the north to south. सेकेंड रिलीफ एंड एल्टीट्यूड मतलब जो भी हाइट में डिफरेंस या फिर जो भी सी लेवल का डिफरेंस होता है वो और थर्ड चीज जो डिस्टेंस है सीज का उसके अकॉर्डिंग भी जो अपना इन्वायरमेंट है इंडिया का क्लाइमेट है वो क्या होता है अफेक्ट होता है अब बात करते हैं एनुअल साइकिल ऑफ सीजन जैसे आपको पता होगा अपने चार तरीके के सीजन होते हैं पहला विंटर दूसरा समर तीसरा रेनी और चौथा ऑटम अब कौन सा चल रहा है विंटर का सीजन चल रहा है सबसे पहले अपने बात करते हैं विंटर सीजन विंटर सीजन कब स्टार्ट हो जाता है आपको भी पता है जैसे नवंबर के मिड में से 15 नवंबर के बाद अपने लोग वूलन कपड़े पहनना लगभग स्टार्ट कर देते हैं और ये कब तक चलते हैं फरवरी तक तो ये चलता है विंटर इज द सीजन ऑफ द फाइन वेदर क्लियर स्काई लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी दिस इज द टाइम व्हेन सन रेज आर वर्टिकल एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द साउथर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग द सन The cold condition is due to oblique angles made by the sun rays. अब जो winter season है कब से start होता है mid November से February start होता है जो winter season होता है इसमें जो weather क्या होता है fine होता है आसमान साफ होता है temperature कम होता है और low humidity होती है मतलब नमी होती है जो आसमान में वो भी क्या होती है बहुत कम होती है ये एक पीरियड होता है जहाँ पे जो सन की रेज अपने तक प्रॉपर नहीं पहुँचती इसकी वजह से क्या होता है जो ठंड होती है वो ज़्यादा कोज होती है द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है कैसे साउथ से नॉर्थ में प्लेसेज लाइक ड्रग्स इन द जम्मू एंड कश्मीर में एक्सपीरियंस टेम्परेचर एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस अब जैसे जो जगह है जैसे जम्मू और कश्मीर है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक का भी जो टेम्परेचर है उनको फेस करना पड़ता है Temperatures varies from -5 to 15 degrees Celsius in the northern India, while 25 degrees Celsius is found in the southern part of the country. और जो northern part में जो temperature है वो माइनस से लेके 15 degrees Celsius तक अपने को देखने को मिलता है पर जो southern part की countries है वहाँ पे almost around 25 degrees Celsius आपको temperature देखने को मिलेगा Northern place of the India experience the lowest temperature since it is far away from the moderating effects of the sea. Where the Deccan plateaus remain warmer due to its nearness to the sea. पर जो सी से जो बाहर के एरियाज है वहाँ पे जो आपको ठंड ज़्यादा देखने को मिलती है एज कंपेरिजन टू द एरियाज विच आर नियर टू द सी कूल एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो ठंडी हवा चलती है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इट ब्रिंग्स रेन्स टू द पंजाब हरियाणा स्नोफॉल टू द पार्ट्स ऑफ द जम्मू कश्मीर
ठंड में पंजाब के पार्ट में, हरियाणा के पार्ट में तो बारिश होती है, और जैसे जम्मू कश्मीर के पार्ट में क्या होती है, बर्फ पड़ती है, स्नो पड़ती है। जैसे आप लोग के गए भी होंगे शिमला जैसे स्नोफॉल देखने, हिमाचल में स्नोफॉल होती है, कश्मीर में स्नोफॉल होती है। दिस इज हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ वीट इन दिस एरिया, जो कि क्या हेल्प करती है फसल को उगाने में, कनक की जो फसल होती है उसको उगाने में ये हेल्प करती है। दिस हेल्प इन द विंड्स ड्यूरिंग द विंटर मूव फ्रॉम लैंड टू सी, दे कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सी नियर तमिलनाडु, दिस कॉज विंटर रेनफॉल इन द तमिलनाडु। जो मॉइस्चर होता है वो कलेक्ट होता है एक सी से दूसरी जगह, और जो विंटर रेनफॉल अपने को देखने को मिलती है कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। Besides this, right rainfall in the plains and snowfall in the Himalayas caused by the cyclones coming from the sea. इसके साथ साथ रेनफॉल के साथ साथ आप लोग के साइक्लोन को भी आपने नोटिस किया होगा। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी बाढ़ मतलब जैसे थंडर स्टॉर्म्स वगैरह आ गए, या फिर कुछ उस हिसाब से कोई डिजास्टर्स वगैरह आ जाए, उसको भी हम लोगों ने फेस किया होगा। दिस इज फॉलोड बाई वेरी कोल्ड वेदर कंडीशन एंड widespread fog इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। ये किसकी वजह से होता है, बहुत ज़्यादा वेदरी कंडीशन जब अपनी अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, और जब बहुत ज़्यादा fog मतलब धुंध पड़ती है उसकी वजह से। तो सबसे पहले कोल्ड वेदर या सीजन या फिर विंटर सीजन कब से कब स्टार्ट होता है, मिड नवंबर से फरवरी तक स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो ठंड मतलब टेम्परेचर होता है वो माइनस से लेके पॉजिटिव 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है कहाँ पे, नॉर्थन पार्ट के अंदर, और अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, साउथन पार्ट के अंदर। ये टेम्परेचर इतना कम क्यों होता है, क्योंकि जो प्रॉपर अपने को सन की रेज नहीं मिलती। और दूसरी चीज़ मतलब जो ऐसे एरियाज जहाँ पे जो सी के पास होते हैं वहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा, सी के पास नहीं होते वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे एरिया जो कि सी के नियर होते हैं वहाँ पे ठंड इतनी नहीं होती। सो लेट नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट वेदर सीजन या फिर समर सीजन, जो कि गर्मियों का सीजन होता है। आप लोगों को पता ही है ऐसे गर्मियों का सीजन कब स्टार्ट हो जाता है, मार्च से लेके मई तक ये सीजन स्टार्ट हो जाता है। दिस सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिडल ऑफ द मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ मे, वेयर सब पार्ट ऑफ द कंट्रीज कंटिन्यू एंड ऑफ द जून, जो कि मेनली सीजन मार्च की मिड से स्टार्ट हो जाता है और मई तक तो चलते ही चलता है। पर कई ऐसी सिटीज होती हैं या कई ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि ये सीजन जून तक चलता है। इस सीजन के अंदर आपको पता ही है गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जो अपना वेदर होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द हील बेल्ट इन किसकी वजह से, जो हीट बेल्ट होती है मतलब जो सूरज की किरणें वगैरह होती है वो शिफ्ट होती हैं। इन द हॉट वेदर सीजन द सन रेज आर वर्टिकल इन नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉजिंग अ शार्प इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस हीट वेव्स। जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है साउथ से लेकर नॉर्थ तक, क्योंकि कई कंट्रीज हैं वो क्या एक्सपीरियंस करती है, गर्म हीट वेव्स मतलब जो सूरज की गर्म किरणों को वो फेस करती हैं। द डेक्कन प्लेट्यू रिकॉर्ड एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थन प्लेन्स, द एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट 41 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। जो इनका टेम्परेचर रहता है गर्मियों में मेनली वो 41 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इवन इन द राजस्थान द मर्क्यूरी लेवल जस्ट टू 55 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम, और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उसका जो टेम्परेचर है वो कभी कभी तो 55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई डस्टी विंड ड्यूरिंग द डे, और अपने ने देखा होगा जैसे जो गर्मियों के टाइम पे जो लू चलती है, गर्म विंड चलती है, डस्टी मिट्टी वाली हवा चलती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। समटाइम्स दे ब्रिंग थंडरस्टॉर्म, और कई बार वो लू के साथ साथ क्या होता है, थंडरस्टॉर्म भी कॉज होता है। टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द समर सीजन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस प्री मॉनसून शावर, और कई मतलब समर सीजन से पहले कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जो मानसून सावर को मतलब बारिश को इंजॉय करते हैं ठंड गर्मी पड़ने से पहले। इन वेस्ट बंगाल एंड असम द हीट ड्यूरिंग द डे कॉज वायलेंट लोकल थंडरस्टॉर्म इन द इवनिंग, दे आर टर्म्ड एज कल बैसाखी, और वेस्ट बंगाल और असम के अंदर जो वायलेंट थंडरस्टॉर्म चलता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कल बैसाखी बोलते हैं। दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल ऑवन विद द हेल स्टॉर्म, और वो क्या करती है, हैवी रेनफॉल को ब्रिंग करती है किसके साथ साथ, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ओले, ओले के साथ साथ रेनफॉल होती है। इन केरला एंड कर्नाटका द प्री मानसून शावर हेल्प इन रीपिंग ऑफ मैंगो, केरला और कर्नाटका के अंदर जो प्री मानसून होती है मतलब मानसून से पहले की जो बारिश होती है वो क्या करती है, मैंगो को पकने आम होते हैं जो पकने में हेल्प करती है। दे आर आल्सो टर्म्ड एज़
मैंगो शावर्स, और इनको क्या बोला जाता है, मैंगो शावर्स भी बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक तो फैक्टर्स पढ़े हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि इंडिया क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। पहले आता है लैटिट्यूड, दूसरा आता है रिलीफ एंड एल्टीट्यूड, तीसरा आता है डिस्टेंस अबव द सी। उसके बाद में अपने ने देखा कि जो एनुअल सीजन होता है अपना, वो चार साइकिल के अंदर डिवाइड होता है, विंटर, समर, रेनी और ऑटम। तो इस वीडियो के अंदर अपने ने विंटर और समर के बारे में डिस्कस किया। जो विंटर सीजन होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, मिड नवंबर से फरवरी तक, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। और जो समर का सीजन होता है वो कब स्टार्ट हो जाता है, मार्च से लेके मई तक चलता है, और कई सिटीज़ के अंदर ये जून तक भी चलता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 41 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पर राजस्थान के कई मतलब स्टेट्स के पार्ट में इसका टेम्परेचर अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस भी अपने को देखने को मिलता है। फिर जो प्री मानसून विंड्स होती हैं वो भी हमारी हेल्प करती हैं मैंगोज को राइड करने में। और जैसे कई एरियाज के अंदर हैवी रेनफॉल होती है किसके साथ, हेल स्टॉर्म के साथ। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ओलो के साथ। सो अपने इसके जो रेनी सीजन है और जो ऑटम सीजन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कवर अप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।